डियन, मैं हूँ नीलम और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज बनाने जा रही हूँ कालाकंद। तो कालाकंद के लिए मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है। पनीर मैंने घर पे ही बनाया हुआ है, आप मार्केट से भी ले सकते हैं। और हाफ कप मैंने चीनी ली है और 2 इलायची, 1 चम्मच घी, केसर, बादाम और काजू को मैंने कट कर लिया है, ये हमें बाद में काम है। उसके बाद हम फ्रेंड्स, हमने आधा किलो दूध लिया है बनाने के लिए कलाकंद। तो हम पैन को चढ़ा देंगे गैस पे और आधा किलो इसमें दूध रख लेंगे। दूध को मैंने सुबह ही बॉयल करके रखा था, तो इसलिए मैं इसमें पैन में रख दे रही हूँ। अभी से हम बॉयल करके 2 पाव दूध है, तो इसे हम गाढ़ा करके 1 पाव कर देना है। दूध हमारा बॉयल हो रहा है, तब तक फ्रेंड्स हम पनीर को हाथ से ऐसे मसल के इसे चिकना कर लेंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, खुद से घर पे बनाया हुआ। अगर आप लोग को पनीर बनाने नहीं आता होगा छीना फाड़ने, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आप लोग देख सकते हैं दूध से पनीर कैसे बनता है। फ्रेश पनीर से बहुत अच्छा ही सॉफ्ट कालाकंद बनता है, इसलिए मैं घर का ही बनाया हुआ ली हूँ। आप लोग मार्केट से भी ले सकते हैं और उसे ग्रेट करके हाथों से ऐसे मसल के इसको तैयार कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना सॉफ्ट है घर का बना हुआ पनीर। तो ऐसे ही हमें इसका डो जैसा बना लेना है सॉफ्ट। उसके बाद से हम दूध को गाढ़ा करने के बाद दिखाते हैं कब डालना है इसमें पनीर। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे दूध में उबाल आने लगा। अब इसे हम इस स्पैचुला के सहारे से अच्छे से चलाएंगे। फ्रेंड्स, कालाकंद बनाना बहुत ही इजी होता है, आप लोग एक बार देख के आराम से बना सकते हैं। मुझे तो बहुत इजी लगता है, घर पे अगर कोई गेस्ट आ जाए, कोई फेस्टिवल है, तो फिर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। रेसिपी पसंद है तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है। फ्रेंड्स, दूध को चलाते रहिएगा वरना ये चिपकता है। आराम आराम से चलाते रहिएगा तो ये चिपकेगा नहीं और आराम से भी गाढ़ी हो जाएगी दूध। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा दूध आधी हो गई है गाढ़ी होके। अब इसमें हम इलायची डाल देंगे, 2 कुटी हुई इलायची डालिएगा फ्रेंड्स, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और खुशबू भी, तो ज़रूर डालिएगा। अब इसे हम अच्छे से चला लेंगे। इलायची अच्छे से चलाने के बाद फ्रेंड्स, इसमें हम 1/2 कप चीनी भी इसमें ऐड कर देंगे। चीनी डालने के बाद इसमें अब हम पनीर को ऐड कर देंगे। ऐसे अच्छे से इसमें स्पैचुला की मदद से इसे हम चलाएंगे। पास में मेरा बेटा है फ्रेंड्स, खड़ा होकर मुझसे मिठाई बनवा रहा है, बोल रहा था मम्मा कालाकंद बना दीजिए, तो वही है खड़ा है, तो उसे थोड़ा जुकाम हो गया है, तो उसके खांसी पर ध्यान ना दीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमारा कालाकंद गाढ़ी हो गई है। इसे और थोड़ा सा 2 मिनट पका के हम इसे मीडियम फ्लेम पे गाढ़ी करेंगे। फ्रेंड्स, इसे चलाते रहिएगा वरना ये चिपकता है, क्योंकि देखिए इसमें से बबल्स जैसे निकल रहा है, तो इसे चलाते रहिएगा। चलाने से ये उड़ेगा नहीं आपके ऊपर, नहीं तो हाथ भी जल सकता है उड़ के। देखिए फ्रेंड्स, हमारा कालाकंद इस स्टेज पे हो गया है। जब पैन छोड़ने लगे तो आप समझिएगा कि हो गया है, तो हम इसे गैस को ऑफ कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमें कोई भी लंच बॉक्स, बच्चा सबका डब्बा या कोई भी ढक्कन या कटोरा हम इसे ले सकते हैं, और इसे हम घी या ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, ताकि हमारा जो बैटर है ना कालाकंद का, वो चिपके ना, अच्छा से निकल जाए। तो ऐसे हमें ग्रीस कर लेना है चारों बगल से। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ग्रीस कर लिया है प्लेट। अब हम इसे प्लेट में अच्छे से पलट लेंगे।
और इसे हम अच्छे से चारों बगल से फैला के इक्वल कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम इसे इक्वल कर लिए हैं चारों तरफ से। अब इस पे हम कुछ केसर के धागे डाल देंगे डेकोरेशन के लिए, थोड़े से बादाम, थोड़े से काजू, और इसे हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद इसे हम कट करके आप लोग को दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आधा घंटा हो जाने के बाद हमारा कलाकंद ऐसे जम गया है। अब इसे हम प्लेट में कट करके आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा कट करने के बाद कितना प्यारा डिलीशियस कलाकंद बन के रेडी हो गया है, और खाने में बहुत ही टेस्टी, मुंह में घुल जाने वाला मिठाई है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए ये कितना सॉफ्ट बना है, देखिए आप लोग इसे खुद देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बना है। बच्चा या घर में बड़े छोटे कोई भी खा सकता है। कम चीनी डाल के भी आप लोग बना सकते हैं, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं, या आप लोग को मीठा ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा डाल के। तो ऐसे ही आप लोग प्यार और सपोर्ट करते रहिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।